हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर की हमारे पास दो ही एक्सरसाइज हैं, तो फटाफट कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। लीनियर इक्वेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसका मीनिंग क्या होता है? लीनियर और इक्वेशंस। इक्वेशंस तो मैं आपको पहले भी लास्ट के वीडियोज में चैप्टर 5th 6th में बता चुकी हूँ कि इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें इज इक्वल टू का साइन आता है। जिस इक्वेशन में, जिसमें भी जो भी हमने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्राइक टर्म्स, उसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए तो क्या होता है? इक्वेशंस। और इज इक्वल टू का साइन ना आए तो एक्सप्रेशंस। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कोई भी अल्फाबेट्स हो गए, कोई भी सिंबल हो गया, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है दैट इज वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। क्या पता एक्स की वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 13 है, माइनस में है, हमें नहीं पता, फ्रैक्शन में है। तो जो भी अननोन क्वांटिटी होती है दैट इज वेरिएबल, जिसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए इक्वेशंस होती है। अब लीनियर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स, क्योंकि 2 और 5 तो क्या है? न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है, न्यूमेरिकल टर्म्स है, तो वेरिएबल क्या है? एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सप्रेशन। अगर मैं मान लो यहां लिख दूं इज इक्वल टू 0, तो अब क्या बन गई ये? 2x+5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन। इक्वेशन तो है, अब इक्वेशन तो आपको पता लग गया, लेकिन जिस जो ये वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या, इसकी पावर कितनी है? पावर मतलब जो यहां लिखा होता है, यहां कुछ भी नहीं लिखा, तो आप कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे 0, तो 0 नहीं होती, जिसमें कुछ भी पावर नहीं लिखी हो उसमें कितनी पावर होती है? 1। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1, पावर 1 हो गई। तो जिस भी इक्वेशन में पावर अगर 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाए, 2x+7y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, एक एक्स और एक वाई। एक्स की पावर कितनी? 1। वाई की पावर कितनी? 2। तो इनमें हाईएस्ट क्या हुआ? 2। 1 और 2 में हाईएस्ट क्या हुआ? 2। तो जो भी वेरिएबल्स की पावर होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री। ये हम चैप्टर 5th के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, डिग्री। तो जो भी हमारे पास एल्जेब्राइक इक्वेशंस होती हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 है, हाईएस्ट पावर अगर वो 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशंस। अगर कोई हमें इक्वेशन दे रखी है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन इस चैप्टर में नहीं पढ़नी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ वो इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तभी तो इसका नाम क्या रखा है? लीनियर इक्वेशंस। सारी की सारी इक्वेशंस वही रीड करेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 2 किसी की भी नहीं मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं इक्वेशन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर। An equation is a mathematical statement which express the equality of two algebraic expressions, जो दो algebraic expressions के बीच में equality शो करती है। For example, x is equal to 7, x is a variable, 7 is a constant term, और इनके बीच में क्या है? Equal का sign। x+3 is equal to 9, x+3 और 9, x कांस्टेंट है, 3 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, और इसके बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। मतलब जो कुछ भी लिखा है जिसकी दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो उसमें इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दूसरा जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, इट मींस या तो ये कह सकते हैं उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए।
या ये कह सकते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा जो हमारे चैप्टर नाम है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो एक्सरसाइज 7A है हमारे पास, बिल्कुल जो सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व का मतलब ये होता है जो भी इसमें इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है 8x plus 14 is equal to 5x plus 44। वेरिएबल क्या है इसमें? x। देखो ये लीनियर है कि नहीं है? लीनियर है। कभी आप ये सोचो अच्छा इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, तो ये तो 2 हो गई, है ना? ऐसा नहीं है। है तो क्या है? देखो अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों इक्वालिटी में ही है। हाईएस्ट देखनी है वैसे भी, 1 और 1 में से हाईएस्ट क्या हुई? 1 ही तो हुई। तो लीनियर पूरे पूरे चैप्टर में आपको कोई भी वेरिएबल देख लेना, उसकी हाईएस्ट पावर जो है या डिग्री जो है वो आपको 1 ही मिलेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए जो आपको वेरिएबल वाले टर्म्स है वो एक साइड रखनी है, कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स एक साइड रखनी है। क्लियर हो गया? मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहूंगी, जो चीजें ध्यान रखनी है। अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कोई प्लस वाली वैल्यू है, वो राइट साइड में जाके माइनस की हो जाती है। और अगर यहां माइनस की कोई वैल्यू है, इज इक्वल टू के उस साइड जाकर प्लस की हो जाती है। जो मल्टीप्लाई में होता है, किसके मल्टीप्लाई में? किसके मल्टीप्लाई में होता है? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में। क्योंकि सॉल्व किसको करना है? वेरिएबल को सॉल्व करना हमें, वेरिएबल को। तो जो वेरिएबल के मल्टीपल में है, जैसे 5x, तो 5 इज द मल्टीपल ऑफ x, 5x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो इस साइड जाके क्या हो जाता है? डिवाइड में। और जो लेफ्ट साइड में डिवाइड में होता है वो इज इक्वल टू के राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कन्वर्स पार्ट, वाइस वर्सा भी होता है। अगर राइट साइड में कोई साइन, कोई भी वैल्यू नेगेटिव की है, वो लेफ्ट में पॉजिटिव की हो जाएगी। पॉजिटिव की है तो वो लेफ्ट में नेगेटिव की हो जाएगी। डिवाइड की है तो मतलब डिवाइड में जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी। वेरिएबल वाले आपको एक तरफ रखने हैं, चाहे वो आप लेफ्ट में रख लो, चाहे वो आप राइट में रख लो, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको दूसरी साइड रखनी है। तो सिंपल सी बात है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी जो उसके आसपास है उन सबको रिमूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 8x plus 14 is equal to 5x plus 44। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, समझाऊंगी, सबकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो 8x plus 14 is equal to 5x plus 44। क्या करना है? सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड रखना है। 8x इज इक्वल टू के साइड, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, जिस वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होता, इट मींस उसके आगे किसका साइन कंसीडर करते हैं? प्लस का। अगर आपने लास्ट की वीडियोस, फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर की वीडियोस देखी हैं, तो आप इजिली को रिलेट कर पा रहे होंगे उन चीजों को। तो प्लस वाली वैल्यू, अब मैंने कहा था वेरिएबल वाली एक जगह रखनी है, तो प्लस की जब इज इक्वल टू के इस साइड आई तो वो क्या हो गई? माइनस की। 8x माइनस 5x इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट हम एक साइड रख लेते हैं। देखो प्लस का 44, यहां भी प्लस का 44, ये इज इक्वल टू के इस साइड लिखा हुआ है ना, प्लस का 44 हमारा भी इज इक्वल टू के इस साइड है, हम इस साइड नहीं लिख रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि 44 यहां लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख दिया तो ये माइनस का हो जाएगा। नहीं, चाहे आप 44 यहां लिखा है, चाहे आपने यहां लिखा है, है ना, बिल्कुल इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं पहले प्लस का 44 लिख रही हूं, है तो ये इज इक्वल टू के राइट साइड पर ही। प्लस का 14 जो है, जब इज इक्वल टू के इस साइड गया, देखो इज इक्वल टू के ये 14 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में गया तो माइनस 14 हो गया। 44 माइनस 14, 8x माइनस 5x प्लस माइनस। देखते हैं एक और कंसेप्ट, जो हमारे पास प्लस प्लस, अगर कोई दो टर्म्स प्लस प्लस की हो तो उनको हम प्लस करते हैं, और साइन भी किस चीज का लिखते हैं? प्लस का। माइनस माइनस की हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और साइन माइनस का। अगर एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, तो क्या करते हैं? माइनस, और साइन जो भी उन दोनों में बड़ा होता है, ग्रेटर डिजिट का।
एक माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो क्या करेंगे, माइनस, और साइन फिर से ग्रेटर नंबर का। क्लियर हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं आता तो इसका मतलब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते। दोनों साइन अगर सेम सेम है, सिमिलर साइंस हैं, तो प्लस ही करना है, चाहे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस। साइन अगर दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का आएगा, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा। एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो साइन माइनस का, और सॉरी क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का। और अगर पहले वाली टर्म माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो भी माइनस करेंगे और साइन ग्रेटर का। अब इन्हीं को यूज करना है हमारे क्वेश्चंस में। प्लस का एट एक्स दिख रहा है ना इसके आगे प्लस, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे हम क्या लेते हैं, प्लस का साइन। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दिया। एट एक्स माइनस फाइव एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स। प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है, एट इज ग्रेटर देन फाइव ना, तो साइन किसका आएगा, एट का, और एट के आगे तो प्लस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस का साइन। दिख नहीं रहा, लेकिन जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। इसमें देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 44 माइनस 14 30। प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन किसका, ग्रेटर का। 44 इज ग्रेटर देन 14, सो वी पुट हियर द साइन ऑफ 44, एंड द साइन ऑफ 44 इज पॉजिटिव, है ना। तो 3x इज इक्वल टू 30 आ गया। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, वेरिएबल की। 3 इज द मल्टीपल ऑफ x, ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाके कहां जाएगा, डिवाइड में। एक्स इज इक्वल टू 30/3, 3 1 3, 3 10 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। उपसो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 10m माइनस 3। 7 इस साइड रखा, माइनस का 3 था, वो इस साइड आके प्लस का हो गया। क्यों रखा, ऐसे क्यों किया, आप 5m यहां रख सकते हो, 10m माइनस का इस साइड लेके आ सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से करवा रही हूँ। इस साइड मैंने वेरिएबल को एक साइड लेफ्ट साइड पर रखा था, कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड रखा था। आप जैसे मर्जी कर लो, आंसर ठीक आना चाहिए बस। तो 7 यहां रखा, माइनस का 3 जब इस साइड आया, प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 10m। प्लस का 5m राइट साइड पे गया, तो माइनस का 5m हो गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस का इज इक्वल टू 10 प्लस का है और 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का, 10 इज ग्रेटर देन 5, सो वी पुट हियर द साइन ऑफ 10, एंड द साइन ऑफ 10 इज पॉजिटिव, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 5m। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की, दैट इज m की। m के साथ एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, 5, 5 इज द मल्टीपल ऑफ m। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट लेफ्ट साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 10/5 इज इक्वल टू m, 5 1 5, 5 2 10, m इज इक्वल टू 2। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। 8y माइनस 2y राइट लेफ्ट साइड पर आएगा, प्लस का 2y हो गया। 8y प्लस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस का 14 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14। 8y प्लस 2y दैट इज 10y इज इक्वल टू 6 प्लस 14 20। तो 10 इज द मल्टीपल ऑफ y, जब राइट साइड पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 20/10, y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4। 6p माइनस 21 इज इक्वल टू p प्लस 4। 6p प्लस का p लेफ्ट साइड पे आया, माइनस का p हो गया, इज इक्वल टू 4, माइनस का 21 राइट साइड पे गया, प्लस का 21 हो गया। 6 प्लस का है और p माइनस का है, p के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 6 में से क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं माइनस करते, 6 माइनस 0 करेंगे क्या, नहीं। जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हम क्या मानते हैं, 1। उसका कोफिशिएंट क्या होता है, यानी उसके साथ क्या मल्टीपल में होता है, 1। तो 6 माइनस 1 5 आ गया, 6p माइनस 1p दैट इज 5p। प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 6 एंड द साइन ऑफ 6 इज पॉजिटिव, सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन। 6p माइनस p दैट इज 5p इज इक्वल टू 4 प्लस 21 प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस का, 4 प्लस 21 25। 5 इज द मल्टीपल ऑफ p, तो 5 डिवाइड में चला गया, p इज इक्वल टू 25/5, 5 1 5, 5 5 25, p इज इक्वल टू 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th।
इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 12. टू इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वन, बोथ दी टर्म्स. अगर ब्रैकेट के बाहर एक टर्म्स होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है. तो टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, टू एक्स हो गया. टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन से, माइनस टू हो गया, इज इक्वल टू 12. तो टू एक्स इज इक्वल टू 12, माइनस का टू उस साइड जाएगा, प्लस का टू, है ना. अब कैसे पता लगेगा किसको किस साइड लेकर जाना है, तो वेरिएबल वाले एक तरफ रखने हैं, कांस्टेंट वाले एक तरफ रखने हैं. ऑब्वियस ये बात है, टू के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये राइट साइड पर जाएगा. टू एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस टू कितना हो गया, प्लस 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 साइन प्लस का, तो 12 प्लस टू 14 हो गया. टू इज द मल्टीपल ऑफ एक्स, ये डिवाइड में जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 बाई टू, टू वन जो टू, टू सेवन जो 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7. सिक्स्थ क्वेश्चन, 7 प्लस 3 इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू 31. मल्टीप्लाई क्या होगा जो ब्रैकेट के बाहर है. अब कुछ बच्चे कहेंगे 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, जो बिल्कुल ही गलत है. क्या मल्टीप्लाई होगा, ये तो अलग टर्म आ जाती है. अलग टर्म हमें कैसे पता लगती है, अलग टर्म आ रही है जब बीच में, जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म चलती है. जैसे ही या तो प्लस का साइन आ गया या माइनस का साइन आ गया, वो नेक्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं. तो 7 के बाद डायरेक्ट प्लस का साइन है, या तो प्लस का है या माइनस का है, तो ये 7 अलग टर्म है, ये अलग टर्म है. तो सिर्फ इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 7 नहीं मल्टीप्लाई होगा. 7 एज इट इज रखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू टी 3 टी, 3 फाइव जा 15, बीच में प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 31. 3 टी, उसके बाद देखो 7 प्लस 15, 7 भी प्लस का, 15 भी प्लस का, कितना हो गया 22, प्लस 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 साइन भी प्लस का, प्लस 3t इज इक्वल टू 31. अब 3t यही रखा क्योंकि ये वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल की टर्म है नहीं जो इसके साथ रखें. 22 कांस्टेंट है तो इसको राइट साइड पे ले गई, या माइनस 3t इज इक्वल टू 31 माइनस 22, 31 माइनस 22 कितना आ गया 9. 3 किसका मल्टीपल है, t का, तो 3 डिवाइड में जाएगा, t की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वन जो 3, 3 थ्री जो 9, t इज इक्वल टू 3. तो आज हमारे 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, कंसेप्ट्स को क्लियर करने की ट्राई करना. थैंक यू.